और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के गोंडा से, जहां पर कांग्रेस के पूर्व सांसद विनय कुमार उर्फ बिन्नू पांडे की जमानत याचिका हुई खारिज, भेजे गए जेल। आप सभी का सबसे तेज खबर साउथी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से सामने आई है, जहां पर कांग्रेस से सांसद रहे बिन्नू पांडे बालू खनन ठेके में साझेदारी बनाने को लेकर उनके ऊपर ठगी का आरोप लगा है। जालौन में बालू खनन का ठेका बताकर की गई थी ठगी। उदई के उमाशंकर सोनी ने दर्ज कराया था मुकदमा। फर्जी दस्तावेज बनाने और 25 लाख ठगी का दर्ज कराया था केस। 23 जुलाई 2022 में गोंडा के शहर कोतवाली में दर्ज हुआ था केस। धोखाधड़ी, गबन और अन्य धाराओं में दर्ज हुआ था मुकदमा। गोंडा की MP MLA कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए अपर अधिजनपद व सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने जमानत किया खारिज। पूर्व सांसद के आपराधिक इतिहास के आधार पर अर्जी हुई खारिज। पूर्व सांसद को हिरासत में लेकर भेजा गया जेल। उत्तर प्रदेश के गोंडा से ये बड़ी और अहम खबर, जहां पर पूर्व सांसद श्रावस्ती के रहे बिन्नू पांडे को जेल भेजा गया। बताया जा रहा है उन पर मुकदमा उमाशंकर सोनी ने दर्ज कराया था, जो उदई जिले के निवासी हैं। ऐसे में आज उन्हें जेल भेजा गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा से बड़ी और अहम खबर, जहां पर हुआ ये कि जालौन के रहने वाले डॉक्टर उमाशंकर सोनी द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया विनय कुमार पांडे पूर्व सांसद बलरामपुर के अगेंस्ट 419, 420, 467, 471 और 406 IPC में। इसमें वादी द्वारा ये कहा गया कि विनय पांडे जी से हमारे पुराने संबंध थे, इन्होंने एक 5 वर्षीय पट्टा जनपद जालौन की तहसील कालपी में अपने ड्राइवर मही पोझा के नाम से ले रखा है, उसी में बतौर साझेदारी के लिए इनको एक एग्रीमेंट किया गया और इनसे 25 लाख रुपए अपने खाते में, अपने स्कूल के खाते में जिसमें ये विनय पांडे जी मैनेजर है, उसमें ट्रांसफर कराए गए। उन्होंने ये पैसा अपनी वाइफ के खाते से ट्रांसफर किया और कोई उस पर कार्य नहीं हुआ। तहसील वो जो खनन का पट्टा था और पैसे की भी वापसी नहीं हुई, जिसके बाद इन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसमें आज न्यायालय द्वारा इनकी जमानत निरस्त करके इनको जेल भेजा गया। तो जमानत पहले से जमानत पे थे? नहीं, इंटरिम बेल पे थे, अंतरिम मिली हुई थी। आज रेगुलर बेल की सुनवाई हुई, फाइनल सुनवाई हुई, उसमें KDA 3 द्वारा बेल खारिज की गई, जेल भेजा गया। कब मुकदमा लिखाया गया था? मुकदमा अभी रिसेंट ही है। जस्ट वेट, मुकदमा पंजीकृत हुआ है 23/7/2022, 23/7/2022 को विनय पांडे जी के अगेंस्ट पंजीकृत हुआ 419, 20, 67, 68, 71, 406 IPC में, थाना कोतवाली नगर में। इसके अगेंस्ट ये पूर्व सांसद जी कहां जा सकते हैं? अब इसके अगेंस्ट हाईकोर्ट ही जाना पड़ेगा।